हम बनाएंगे चिकन अंगारा बहुत ही इजी वे में। उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 चिकन के पीसेस ले लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा पानी और हल्दी नमक के साथ एक सीटी दिलवा दी है, बॉईल किया है मैंने इसे एक बार। और ये सारे बेसिक मसाले लगेंगे हमें, सिर्फ राई और ये नहीं लगेगा। और मैंने यहाँ पर 4 बड़े प्याज काट लिए हैं मीडियम, और 1.5 टोमेटो काटे हैं यहाँ पर मैंने मीडियम। ये एक लंबा प्याज कटा हुआ लिया है मैंने। ये 3 टेबल स्पून वाइट पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून जितना खसखस है, ये घर का पिसा हुआ 2 टेबल स्पून गरम मसाला, और ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तेल में हम सबसे पहले प्याज को पकने डालेंगे, फिर हम थोड़ा टमाटर डाल देंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी खसखस डालेंगे और इसे हल्का सा पका देंगे। पकाने के बाद हमें इसे ठंडा करना है, ठंडा होने तक के हमें इसे हम मैरिनेट कर देंगे। ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना है हमें, इसे 10 से 15 मिनट ही जितना मैरिनेट करना है। और स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। हमारा प्याज थोड़ा पक गया है, मैंने इसमें खसखस डाल दी है। अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। ग्रेवी पिसने के लिए रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, फिर हम इसे पीसेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी का मसाला ठंडा होता है, हम हमारा मैरिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है, मीनवाइल हम मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन का। उसके लिए हमें लगेगा 1 टेबल स्पून दही, घर का पिसा गरम मसाला, आप MDH का चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, कस्तूरी मेथी, ऑरेंज कलर, जलेबी कलर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सीटी लगा हुआ, सिंगल सीटी लगा हुआ चिकन, और नमक, मिर्ची, हल्दी। हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सारा मसाला मैं इस दही वाले बाउल में मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मैरिनेशन से। अब मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, अब बस हम इसमें थोड़ा सा जलेबी रंग ऐड कर देंगे। एकदम एक पिंच जितना। अब हम इसे हमारे चिकन पे लगाएंगे, बॉइल्ड चिकन पर। मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है लगकर। अब इसे 5 से 10 मिनट छोड़ दूंगी मैं फ्रिज में, फिर उसके बाद मैं इसे पावर लेवल पर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। इसमें मैरिनेशन का मिक्सचर लगाने के पहले हमें इसे काटे चम्मच से ऐसे पोक कर देना है। हमारा चिकन हाफ कुक्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे मैरिनेशन में। मैरिनेशन के बाद हम इसे माइक्रोवेव करेंगे पावर लेवल पर 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम हमारी ग्रेवी में इसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ऐसा करने से अंदर तक मसाला जाएगा, आप देख सकते हैं ये पक चुका है वैसे तो।
अब हम इसमें मैरिनेशन का मसाला लगाएंगे। ज़्यादा काटा चम्मच भी ना लगाएं, ज़्यादा होल्स भी ना करें, वरना ये ग्रेवी में टूट जाएंगे। इसे एकदम अच्छे से कोट कर देना है हमें। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट हो रहा है और ग्रेवी का मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक मैं इसमें ग्रेवी का आगे का प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून जितना मैं यहाँ बटर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। बटर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें वो एक प्याज डालूंगी जिसे मैंने लंबा काटा था। अब इसे बटर में ही पकाना है। हमारा चिकन मैरिनेशन कंप्लीट है। इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसे माइक्रोवेव कर रही हूँ। हम ग्रेवी पीस लेते हैं जब तक हमारा प्याज बटर पर पक रहा है। जब तक हमारा चिकन माइक्रोवेव हो रहा है, हम ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पीस लिया था टमाटर और प्याज को, वो है, और जो हमने बटर में प्याज पकाया वो, और ये वाइट पेस्ट। अब ये तीन चीज़ का ही काम है ना ग्रेवी में। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम ये मिक्सचर डाल रहे हैं। अब हमें इसे भूनना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले ऐड करना है, फिर ग्रेवी का मिक्सचर डालना है। मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इसे अभी ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने पका लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। इसमें अब वाइट पेस्ट डालना है। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं पानी की जगह, पर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसमें पानी यूज़ किया है। अब इसे हमें ढक के पकाना है 2 से 5 मिनट। जब तक हमारी ग्रेवी सिम में पक रही है, हमने नीचे से कोयला इसमें पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। क्योंकि इसके नीचे अंगार है तो हमें अच्छे से आराम से इसको मिक्स करना, नहीं गिर जाएगा। अब इसे ढक करके ही पकाना है हमें। वही अंगार हमें यहाँ ग्रेवी में डाल देना है। और माइक्रोवेव में ही रहने देना चिकन को 2-5 मिनट। अब हम इस ग्रेवी में पीसेस डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे सिम में ढककर पकाना है, फिर हम इसे सर्व कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा वाटर या मिल्क ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बस इसे सिम में 2-5 मिनट के लिए पकाऊंगी ढक करके, और फिर इसे सर्व कर दूंगी।